मीडिया, आप देख रहे हैं गाइड न्यूज़। गाइड न्यूज़ में सबका स्वागत है, मैं अनिल सिंह। हम आपको ले चलते हैं यूपी। यूपी के हथरस शहर में एक घटना घटी है जहां पर मनीषा का रेप किया गया और उसको उसका बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन अभी सुनने में आया है कि उसको घर वालों को बताए बिना उसको जो है चिता के हवाले कर दिया गया और किसी को नहीं बताया गया कि उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन ये घिनौनी हरकत जो हो रही है, यूपी सरकार अब तक के आँख बंद करके क्यों बैठी है? सेकेंड थिंग, यहाँ के लोगों ने, यहाँ मुमरा में हम इस वक्त खड़े हैं, मुमरा में बाबा अम्बेडकर के यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये पुलिस स्टेशन के बाजू में जो है, और वहाँ पर जो है लोगों ने आंदोलन किया, इसके बारे में जो है श्रद्धांजलि दी मनीषा के लिए। और देखो कई लोग उतरे हैं यहाँ कर, मुस्लिम समाज के जो शिवसेना जो है, मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर उतरे हैं। आइए हम यहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इनसे पूछते हैं कि क्या बात है, क्योंकि ऐसी दुर्घटना हमेशा होती आई है लेकिन यूपी सरकार चुप्पी साधे हुए है। या जैसे कि निर्भय कांड हो गया, कई ऐसे रेप आसिफा कांड हो गया, कई कांड हो गया, लेकिन अब तक के सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। क्या ये हमेशा होता रहेगा और इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आंदोलन होता रहेगा लेकिन अभी तक के सरकार ने किसी को सज़ा देने की जो है मांग अभी तक नहीं की, ऐसा क्यों? इस घटना को लेकर मुमरा में भी कई पार्टी के लोगों ने यहाँ पर जो है, आम आदमी पार्टी और कई शिवसेना के लोगों ने, हमने इनसे बात किया, इन लोगों का क्या कहना है ये हम आपको दिखाते हैं। मैडम क्या कहेंगे, जो घटना उत्तर प्रदेश में पेश आई, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये घटना तो बहुत ही दुखद है और बहुत दर्दनाक है। ये घटना से तो यही लगती है कि ये सरकार ना झूठा झूठा खाली बोल रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खाली बेटी को पढ़ाओ और बचाओ, और बेटी को इज्जत का प्रोटेक्शन तो कुछ है ही नहीं। उसके साथ में रेप किया जाता है, उसे मार दिया जाता है, फिर भी गवर्नमेंट ना तो उसकी रक्षा कर पाती, ना कोई ऐसा कानून आज तक निकाल पाई है जिससे कि आरोपी डरे। नहीं होता तो गल्फ की कानून यहाँ लागू किया जाए, फांसी की सजा हो, नहीं तो सर कलम कर देवे ताकि बेटी सुरक्षित रहे। और अगर नहीं हो रही है, योगी सरकार अगर सक्षम नहीं है तो उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। यूपी की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन। यहाँ यूपी में कोई लड़की सेफ नहीं है। बेटी पढ़ाओ, पढ़ने के लिए कॉलेज तो जाएगी, स्कूल तो जाएगी, लेकिन घरों सुरक्षित आएगी क्या नहीं आएगी, इसका तो कोई गारंटी ही नहीं है। कंगना रानावत को लेकर जो मामला आता है उस पर जो बयानबाजी होती है तो उसके ऊपर उसको जेड सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, और वहीं पे इस मामले के लिए कोई सिक्योरिटी या कोई पूछने तक नहीं जाता, क्या कहेंगे इसको लेकर? यही तो मैंने आपसे कहा ना कि ये विडंबना है, ये पॉलिटिक्स की विडंबना है। क्यों? कंगना रावत के पास में पैसा है, रसूख है, सपोर्ट है, इसके लिए उसको हर तरीके की फैसिलिटी मिलती है। बेचारे गरीब जिसकी बेटी मर गई है उसके पास क्या है? कुछ नहीं है, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो चलते आ रहा है और हम इसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कंगना रानावत को गोदी मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, लेकिन इस मनीषा के मामले को पूरी गोदी मीडिया खामोश है, इस पर क्या कहेंगे? उसके ऊपर वही बातें हैं जो रिपीट करने की बात वही है जो गोदी मीडिया है। आप जैसे पहले ही आपने बता दिया कि मीडिया गोदी है, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये तो हमारे जो हम लोग जो बोल रहे हैं, हमारी जो कमेंट्स निकल रहे हैं, उससे गोदी मीडिया को समझना चाहिए कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। अब भी उठ जाइए, मीडिया एक बहुत ऐसा मीडिया है कि जो जड़ को भी हिला सकता है, जमीन की जड़ों को भी हिला सकता है, और इनका ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। इसीलिए पूछना चाहता हूँ, क्या मैसेज देंगे? हमारा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। एक चीज बता दें, ये ऐसी चीज है पूरे देश की बात है, बिल्कुल इसमें कोई पार्टी बटी हुई नहीं है, इसलिए कि सबकी बहन और बेटी सबके पास है, और इसका सख्त से सख्त इसका इलाज ही है, इसका फांसी का कानून बनना चाहिए। अभी तक 70 साल में ऐसा कानून नहीं बन सका कि जिसमें आप देखिए, इसमें अगर कोर्ट फैसला भी करेगी तो 7 साल से ज्यादा नहीं है, जबकि इतना खतरनाक चीज है, इसको तो फांसी से नीचे कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। चूंकि मर्डर हो जाता तब फांसी होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा उन्होंने अभी? फास्ट ट्रैक कोर्ट में, अच्छा कोर्ट इतना लंबा जाता है कि उसके लिए इसको फास्ट ट्रैक में डालना चाहिए। अगर केस इतने ज्यादा पेंडिंग है, केस पर अगर देखेंगे तो 300 साल लग जाएंगे, जो अभी तक फाइल बंद हो जाए,
अभी से नया केस बंद हो जाए तो 300 साल लग जाएगा फाइनल होने में, तो इसको फास्ट ट्रैक पे तो डालना ही चाहिए। और दूसरी बात है, यूपी में तो एकदम लाचार, वहाँ तो एक तरफ का कानून चल रहा है, एक छत्र राज चल रहा है, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहाँ पे थोड़ी सी भी कोई आवाज उठाता है तो कुचल दिया जाता है, वहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तानाशाह चल रहा है और गुंडों का राज चल रहा है। जो चीफ मिनिस्टर बना हुआ खुद उसके पास कई मुकदमे उसके ऊपर है, वो अपना मुकदमा खुद ही सॉल्व कर लिया। तो अब यह हालत है देश की। आप योगी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? योगी जी को चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी सीट छोड़ दीजिए, आपसे यूपी संभल नहीं रहा है। आप रहेंगे तो ऐसे ही रेप बढ़ते जाएंगे और अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ की हिंदुस्तान की बेटी आप जिसको देवी मानते हैं उसको पैर से कुचल देते हैं और कहते हैं, मुंह से कहते हैं देवी है, देवी की यही हालत की जाती है। सरकार ने तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जैसे ही कहा वैसे ही आसिफा का रेप हो गया, जैसे ही कहा वैसे ही जो है कर्नाटक में रेप हो गया। जो कास्ट का सिस्टम है, अपर कास्ट लोअर कास्ट और अपर कास्ट लोअर कास्ट, इन्होंने लोअर कास्ट की जो बच्चियां हैं उन्हें लोअर कास्ट को टोटल इन्होंने अपनी मिल्कियत समझ लिया है कि जो चाहे करे। बिल्कुल, क्या मैसेज ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप जो बिल्कुल एक नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है, ये आरएसएस का फंडा है कि जो है दलित पैर से पैदा है, छत्री जो है सीने से पैदा है और ब्राह्मण सर से पैदा है। इनका वही फार्मूला ना चाहते हैं, दलित को पैर की जूती बना के रखना चाहते हैं। अब समाज बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, डेमोक्रेसी आ चुकी है, अब बिल्कुल नहीं होने पाएगा ऐसा। ये बच्ची के लिए और रेप के केसेस के लिए कम कैसे किया जाए? हमारी सिटी भी सेफ नहीं है, हमारी सिटी भी सेफ नहीं है, काफ़ी ड्रग्स पेडलर्स वगैरह लोगों को भी आइडेंटिफाइड किया गया। तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव चीज़ें जो सिटी में चल रही है वो थोड़ा हाईलाइट करें। दिखाते हैं इसी तरीके की वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।